जयपुर के आमेर थाना इलाके में कुंडा तिराहे के पास एक कबाड़ी के गोदाम में आग लगने से हड़कंप मच गया। ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से कबाड़ी के गोदाम में आग लग गई। लोगों ने पुलिस प्रशासन और दमकल को इसकी सूचना दी, जिसके बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग को बुझाने का प्रयास शुरू किया गया, वहीं आग से चारों तरफ धुआं ही धुआं फैल गया और दूर दूर तक आग की लपटें देखने को मिली। ऐसे में लोग अपने घरों से बाहर निकले, लेकिन पुलिस ने लोगों को बाहर आने से रोक दिया। करीब 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने से हजारों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। अचानक उसमें से आग चमकाने लगी और भपक गया एकदम से। जैसे आग मेरे सूत्र उठे जो हमारे को फोन किया, जब हम आए फिर गाड़ी को बुलाए, गाड़ियों को बुलाया। नहीं तो शॉर्ट सर्किट से हुआ या कोई आपके अंदर की तार की व्यवस्था दी है? नहीं नहीं, शॉर्ट सर्किट हो गया इसमें। कितने जान माल की हानि हुई इसमें? 1.5 लाख रुपये नुकसान। राजस्थान में लगातार कोरोना का